today we will start exercise 10b of chapter 10 pythagoras theorem from aschans for class 9 for icse from question number four first three sums we have already done what is given in triangle abc first of all draw a triangle a b c ad is perpendicular to bc ad is given perpendicular what is given ad perpendicular to बीसी दिस इज गिवन टू प्रूव वी है प्लस सी डी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अब यहां देखिए बेटा इस राइट एंगल ट्रैंगल की प्राचीस इन राइट एंगल ट्रैंगल ए डी बी और एडीसी में कौन सी साइड कॉमन है प्राची सर ए एडी एडी साइड कॉमन ना फ्रॉम दिस राइट एंगल दिसल कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी स्क्वायर यस और नो सर इसके इक्वल होगा बेटा एडी स्क्वायर देखो मैं यहाँ पे हाँ ए बी स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर बेटा देखो स्क्वायर हाईपोर्टन्यू स्क्सकेक्वल होता है पर पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना यही होता है ना इफ हैव टू फाइंड पी स्क्वायर देन बी स्क्वायर बिकम माइनस ऑन दैट साइड मीन्स एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इफ वी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस पेंडिकुलर स्क्वायर अगर हाईपॉट स्क्वायर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आएगा अगर परपेंडिकुलर स्क्वेयर करना करने तो न्यूज माइनस बेस और बेस फाइंड करने तो हाईपोट न्यूज पहले आएगा तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में विच साइड इज प्राची सर ए बी बेटा 90 के अपोजिट साइड जो होती है दैट इज कॉल्ड हाईपोट

खाना नहीं है घर वालों ने आज तेरी आवाज तो नहीं आ रही हाँ जी एडी स्क्वायर किसके इक्वल इस राइट एंगल ट्रगल में बेटा एडी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा यस लिखना इन ट्रगल एडीसी एसी यस एसी स्क्वायर एसी स्क्वायर माइनस माइनस यस

सेम ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बिकम इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर दिस इज आंसर अंडरस्टोड यही हमने सॉरी uh, अभी अभी हमें क्या चाहिए था प्लस सी डी चाहिए था ना तो माइनस सी डी वो इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना राइट हैंड साइड में क्या आएगा प्राची ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या एग्जाम आगे तूने तो बोलना ही बंद कर दिया है प्राची सर तो एग्जाम में तो सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे कोई बात नहीं अभी हमने कोई क्लास मिस नहीं होगी चाहे कोई आए चाहे ना आए ठीक है डेली क्लास लगेगी ओके ओके सर और बच्चे दो बुक्स कवर कर लेना सलीना और एश्चन दोनों की क्लास लगानी है टू ने ठीक है प्राची क्वाड्रिलेटरल एबीसी डायगोनल एसी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी डायगोनल एसी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स प्रूव दैट दिस वन ड्रॉ ड्रॉ कर ली हमने जो डायगनल है बेटा ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल राइट एंगल मीन दिस एंगल इज ऑफ नाइंटी डिग्री टेक एट एस ओ इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया ओ ले लिया टू प्रूफ क्या करना हमने ए बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर यस

ए स्क्स बी ओ हाँ नहीं आएगा ठीक है रीजन पाइथावर साथ में क्या चाहिए इन दिस राइट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल सीओ सी डी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा सर OC का स्क्वायर प्लस OC OC स्क्वायर वेरी गुड हर्षिता हर्षिता यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर दशहरा देखने गई थी फिर भूल गई थी यस चलो बीच में क्या साइन है प्लस साइन है देखो लेफ्ट साइड में ए बी और सी डी है ना तो दोनों में प्लस साइन है तो क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या आ गया लेफ्ट साइड में हमारे पास एबी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आ गया और राइट साइड में बेटा दिस प्लस दिस ओ स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर आ गया ना yes, अब लेफ्ट साइड को ऐसे रखेंगे क्योंकि हमें यही चाहिए लेफ्ट साइड में तो हमारा फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आ गया है इसको री करेंगे एओ के साथ में डीओ को जोड़ दू ऐसे लिख दू आगे पीछे कर सकते हैं प्लस है यस सर बीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर अब मैंने ब्रैकेट भी डाल दी लेफ्ट साइड सेम फिगर में देखो बेटा क्या बन रहा है? जल्दी से बताओ प्राची आपने बताना बता है बेटा ट्रायंगल का नाम बताना है ट्रैंगल का नाम नहीं बताना बेटा पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना आपको अभी तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर क्या बनेगा ए डी स्क्वायर बनेगा ना मतलब प्रपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल होगा यस yes, सर लेखना बीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर क्या बनेगा बेटा सर बी सी स्क्वायर और यही हमने प्रूफ करना था एडी और बी डी या डी ए और एडी इज़ द सेम थिंग ना वो आगे पीछे भी हो सकता है प्लस में तो यस सर अंडरस्टूड यस सर नाउ, नेक्स्ट ंगशिता भाग गई? अभी तो आई थी वो चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स बेटा नाउ रीच ऑन क्वेश्चन नंबर सिक्स इन एंगल एबीसी, एंगल बी इज नाइंटी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एंगल बी इज नाइंटी A B C angle B is 90 degree. Okay. Yes, sir. And D is the midpoint of B C. Uh, midpoint means B D and C D are equal. But is given. Angle B is of 90 degree. And B D is equal to C D. These two things are given to prove. We have to prove first part AC square becomes equal to AD square plus three CD square. In the second part, BC square is equal to four AD square minus AB square. First of all, first part. एडी इज ऑलरोल्सो देर ना वी हेर टू ज्वाइन एडी प्रूफ एसी येस अमृता 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 ऑलविड लिस एसी इज द साइड ऑफ विच राइट एंगल ट्रैंगल ए सी इज दिस वन इज द साइड ऑफ विच राइट एंगल ट्रैंगल लेनासी इज द साइड ए बी ए बी सी सी ए सी यस लेखना एसी स्क्वायर बिकम इक्वल टू फास्टली ट एक्वास एबी स्क्र बीसी स्क्वायर वेरी गुड एबी इज पाइथागोरस थ्योरम नाउ ए सी एज लाइक बिकॉज हमें ए सी सेम चाहिए ए बी नहीं चाहिए ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं इस राइट एंगल देखो थेंग। बिगर ट्रैंगल में से पहले आया था ए बी तो इस स्मॉलर राइट एंगल ट्रैंगल में ए बी स्क्वायर को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ लिखना सर ए डी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू ए डी और स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर नहीं आएगा यस और नो देखो बेटा सर इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर एंड बीसी बीसी बीडी एंड सी डी आर इक्वल देन बी सी कैन बी डिट इन सी डी ये नो यहां पर क्या लिख देंगे इन पाइथागोरस थियोरम इन ट्राइंगल बाई यूजिंग पाइथागोरस थियोरम एंड बी डी इज टू सी डी गिवन ए सी स्क्वायर एज लाइक ए डी स्क्र माइनस बी डी स्क्वायर टू सी डी स्क्वायर लेखनाइक एंड बी डी बिकॉज बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन ना देन बी डी कैन बी रिटन एज सी डी स्क्वायर plus four cd square. What we get here? A c square is equal to ad square. Minus C D square plus four cd square we get plus CD three d square. square. This one we have to prove. In first part we have to prove this thing. Okay. Understood? Yes. Okay. Now in second part

b का स्क्वायर प्लस में bd का स्क्वायर बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में स्मॉलर में प्राची थोड़ा ध्यान से देख बेटा bd हाइपोटेन्यूज है यस सर हाइपोटेन्यूज है बी नहीं सामने तो... ad है हाइपोटेन्यूज तो ad स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर होगा ना बेटा यस yes. ad स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर अब bd कैन बी रिटन एज जैसे BC को टू टाइम CD लिखा था ऐसे BD को क्या लिख सकता हूं मैं, मैं नहीं बेटा और BD को BD CD के इक्वल है क्योंकि मुझे ये भी देखना है ना BD को BC की फॉर्म में लिख सकते हैं प्राची सर लिख सकते क्या लिखें BC की फॉर्म में लिखना है BD को BD किसके इक्वल है CD के और और क्या लिख सकते हैं प्राची यही चीज तो सीखने वाली है बेटा इसमें तो सर टू टाइम्स बेटा टू टाइम्स सीडी कैसे हो जाएगा सीडी के तो इक्वल है मैं क्या कह रहा हूं ये भी सुनो ना बेटा बीसी इज दिस वन जो सेकंड पार्ट प्रूफ करना है वहां पे बीसी है ना और यहाँ बीडी हमने निकाला है तो बीडी की वैल्यू बीसी की फॉर्म में लिख सकते हो बीसी का हाफ नहीं होगा बेटा ये बीडी है जो yes. क्योंकि बी डी और सी इक्वल है ना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं तो बीडी क्या होगा पूरे का हाफ ही होगा ना तो बी डी को क्या लिख देंगे बीसी अपॉन टू का इक्वल ए डी स्क्वायर माइनस और इसका स्क्वायर ओपन कर क्या आजेगा पढ़ने का मूड नहीं है प्राची तो वाला चैप्टर तो गलत हो रहा है नहीं मेरे को लग रहा है नहीं और... तुम तो तो ये वाला चैप्टर है कोई बात नहीं बेटा फिर से करवाऊंगा अभी तो हमने में से पता है कौन कौन से चैप्टर कर लिए फोर्थ कर लिया, फोर कर लिया फिफ्थ भी कर लिया ना हम्म hmm, सिक्स्थ भी कर लिया सेवेंथ भी कर लिया सेवेंथ भी कर लिया सर और लॉगरिथम इसका तो नाम ही अजीब है हाय लॉगरिथम इजी है बेटा चलो कोई बात नहीं बेटा आज क्योंकि तो आप बीच में से हो ना बिल्कुल लास्ट आ ये चैप्टर और आप अभी ज्वाइन किया कल क्यों नहीं ज्वाइन किया भाई फीवर था एक दिन तेरे को फीवर हो जाता है एक दिन मेरे को हो जाता है फिर तो बेटा ऐसे क्लास ही नहीं लग पाएगी है ना क्या हो जाता है बोला कर तू तो, तो ऐसी नहीं थी हैं प्राची क्या yes, सर तू तो, तो ऐसी नहीं थी बोलती थी तू तो यहां देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है साइड बी सी ऑफ स्क्वायर एबीसीडी स्क्वायर इज गिवन इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट ई साइड बी सी और स्क्वेर एबीसीडी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ई प्रूव दैट गिवन अब अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है बेटा तो ये सम हो जाएगा अगर नहीं पता तो ये सम नहीं हो पाएगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है अमृता अमृता डू यू नो वट इज स्क् ऑल साइडी डिग्री अमृता आप अपना नेट यूज करते हो दिन में बचा के रखा करो बेटा उसको अमृता <laughs> yes. आपके वाईफाई नहीं लगा हुआ है यहाँ पे घर पे प्रॉब्लम हो रहा है मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपका नेटवर्क बहुत स्लो है बेटा या तो वाईफाई लगवा लो घर पे ठीक है या फिर डाटा बचा के रखा करो डाटा आपको तो खत्म कर देते हो हम लोग आउट स्टेशन है तो यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है ओके कितने देर में पहुंच जाओगे बेटा वापस? अच्छा तीन दिन में कोई बात चलो <coughs> 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 उसके बाद तो सही होगा ओके यस सर। ओके नो प्रॉब्लम बेटा नो इश्यू ABCD is a square. What we have to prove? AE square. Joint AE. Is equal to 2 B C B E B C B E Plus CE square. Plus CE square. First of all, this is not the midpoint. AE square. Yes. AE. Concy si right angle triangle me arabika. प्राची बता सकते हो बेटा इज द साइड ऑफ विच राइट एंगल ट्राइंगल बी ए एच वन बी ए यस ए बी ई बी ए ए और बी ई इज द सेम थिंग जहां पे 90 डिग्री एंगल होता है ना बेटा उसको मिड में बोला करो ठीक है या तो ई बी ए बोलो या ए बी ई बोलो ओके प्राची ओके सर ए बी ई हमें लेफ्ट साइड में क्या चाहिए ए स्क्वायर चाहिए ना ए क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो मैंने डबल कर दी व्हाट इज ए? दैट इज़ हाइपोटेन्यूज ना? हाइपोटेन्यूज यस अमृता ए स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर वेरी गुड प्लस बीई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रीजन इज पाइथावर एज लाइक ए बी ए बी को मैं बी सी लिख सकता हूं बेटा बोलिए एंड बीई कैन बी रिटर्न एज बीसी प्लस सीई बी सी प्लस सीई होल स्क्वायर यहां साथ में रीजन लिख देंगे सेंस ऑल ऑफ एंड सेकेंड का कोई रीजन नहीं है वो तो हमने लाइन को तो ब्रेकअप करके लिखा है पूरी बी को बीसी प्लस सी ई लिखा है ठीक है अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया प्राची प्राची कहां भाग गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बीसी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी इन टू सी यही आएगा ना जैसा ए स्क्वाज लाइक बी सी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज टू बीसी स्क्वायर प्लस सीई स्क्र प्लस टू बी सी सीई बी सी इन टू सीई नाउ वट इज कॉमन बिटवीन दीज टू जो मैंने अंडरलाइन किया है टू बी सी टू बी सी इज कॉमन टू बी सी स्क्वायर में से टू बी सी इज कॉमन वट इज लेफ्ट बीसी इज लेफ्ट प्लस टू बी सी इज कॉमन वट इज लेफ्ट सीई इज लेफ्ट प्लस सी स्क्वायर अब ए लाइक टू बी सी बी सी प्लस सीई फिगर में मैं चेक करो बेटा लिखना व्हाट इज बी सी प्लस सीई सर बी यस बी सी प्लस सीई इज बीई प्राची कहां भाग गई थी सर नेटवर्क इशू था अच्छा चलो यही बेटा हमने प्रूव करना था देखो ए स्क्वायर टू बी सी बीई टू बी सी बीई प्लस सी स्क्वायर ये हमारा कंप्लीट हो गया नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज गिवन एबीसी रोम्बस प्रूव दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर फोर ए बी स्क्वायर इट इज सो इजी रोम्बस रोमबस की प्रॉपर्टीज ऑल साइड आर इक्वल

एसी स्क्र प्लस बी डी स्क्वायर फोर ए बी स्क्वायर एसी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर फोर एबी स्क्वायर यहां सबसे पहले हम प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे वी नो दैट डायग्नल्स ऑफ रॉम्बर्स

बाइसेक रहा है तो ए बी यहाँ पे ए बी है ना यस लेखना साइड ऑफ विच राइट एंगल ट्रंगल सर राइट एंगल एस ए बी ए बी स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू यस लेना

सीओ के बिना एओ को और क्या लिख सकते हैं हाफ ए सी लिख सकते हैं ए सी अपॉन टू का होल स्क्वायर देखो पूरा ए सी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो पूरे ए सी को टू ए ओ या टू सी ओ लिख सकते हैं मुझे ए ओ चाहिए मतलब ए ओ को क्या लिख दिया हाफ ए बी ए सी को टू ए ओ लिख सकते हैं तो ए ओ को हाफ ए बी ए सी भी लिख सकते हैं ना एंड बी ओ कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ बी डी ये हमने लिखा था ना ओ सी ओ रीजन बता दिया था ऑलरेडी अब ए बी डी एलसीएम एल्सियम वी गेट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड हेयर ए बी स्क्वायर फोर बिकम मल्टीप्लाई ऑन दिस साइड व्हाट वी गेट फोर बी स्क्वायर यही हमने प्रूफ करना e square, इसे। प्राची को तो कुछ नहीं समझ आया क्या कर दिया है ना प्राची नहीं सर आ गया आ गया कोई बात नहीं बेटा मैं फिर से करवाऊंगा ये चैप्टर्स ठीक है यहां पर देखेंगे इन फिगर 10.28 एंगल बी ऑफ ट्रैंगल एबीसी एक्यूट एंगल एंड एडी पर पेंडिकुलर नाइन्थ फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन ड्रॉ दी सी एंगल बी इज एन एक्यूट एंगल एंड एडी इज पर पेंडिकुलर प्रूव दैट गिवन अपने आप लिख लेना आई हैव राइट डाउन टू प्रूव ए सी स्क्वाजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी बी डी तो प्राची जो हमने देखे प्रूफ, देखे। प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज है AC है ना राजू यस सर एसी स्क्वायर तो एसी कौन सी राइट एंगल ट्रेंगल में आ रहा है सर भी एसी में बीएसी राइट एंगल ट्रेंगल है राइट एंगल तो डी एसी में आ रहा है हाँ फिर ये मैं वही तो पूछ रहा हूँ मैंने क्या पूछा है एसी कौन सी राइट एंगल ट्रेंगल में आ रहा है एडीसी में आ रहा है तो वो मेंशन करना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी एसी किसके इक्वल? पाइथागोरस लगाओ प्लस सीडीवरसोर uh, रीजन क्या दे, दे देंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे एक बात बताओ इस राइट एंगल ट्राइंगल में से एसी स्क्वायर एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आया है इस जहां डबल टिक लगा दिया इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे प्राची एडी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं इस राइट एंगल में स्क्वायर किसके इक्वल होगा सोचो यही सोचने वाली बात है बेटा एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर ठीक है सी डी सी डी को क्या लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी लिख सकते हैं यस सर बस हमारा सम हो गया इसको ओपन करो एंड गेट द आंसर ये तो होल स्क्वायर तो है ही नहीं ये तो ऐसे ही आ जाएगा ये a b का होल स्क्वायर बन गया ना a b का होल स्क्वायर काची किसके इक्वल होता है a² b² 2bc b² bd² 2bc bd बीडी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर माइनस का कट गया आंसर आंसर आ गया हमारे पास इंटू बी डी यही चाहिए था ना हमें ये देखो हो गया छोटा सा सम था नाउ क्वेश्चन नंबर टेन इन्हें क्वार एबीसीडी एंगल बी इज नाइनटी सिर्फ एक एंगल को मैंने 90 बना लिया ये वाला इसको नेम दे दिया बी ए बी सी यहाँ पे होगा डी यहाँ पे होगा ये होगा ना और क्या गिवन है देखो दो चीजें गिवन है एक तो एंगल बी 90 गिवन है दूसरा क्या गिवन है एडी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी डी ये गिवन है ए बी इज ए That. To prove क्या करना है? एंगल ए सी डी ए सी डी इसको जॉइन कर लो एंगल ए सी डी बिकम इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में आओ एसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा का का यहां लिख देना इन राइट एंगल ट्रायंगल A, A, B, C. A, C square किसके इक्वल अब से से जो गिवन है एबीसीक्र किसकेक्वल किसके इक्वल आएगा बोलो बेटा प्राची इसी क्वेश्चन में से ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा सी डी स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना Yes, sir. Is equal to तो मैंने यहाँ पे इसके प्लेस पे सीधा ये लिख दिया यहाँ पे चाहे और यहां से बेटा सी डी को इस साइड ले जाओ तो एडी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर तो हम क्या करेंगे एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया ये लिख दिया अब एक काम करो सी डी स्क्वायर को उस साइड ले जाओ ले गई yes, इसके इक्वल आ गया डी स्क्वायर के अब इस ट्रायंगल में देखो जहां दो टिक लगा दी डी स्क्वायर सिंगल पड़ा है तो डी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है इन दोनों साइड्स के सम ऑफ सम स्क्वायर के इक्वल आ रहा है ना तो यहां पे बाय यूजिंग कन्वर्ट ऑफ थ्योरम जब एक साइड का स्क्वायर सम ऑफ द साइड आ जाए तो वहां पे ट्रैंगल राइट एंगल हो बाई कन्वर्स ऑफ पाइथावर थियोर एडी के सामने कौन सा एंगल है अपोजिट दिस एंगल एंगल एसीडी इज 90 हो गया एंडोइड नाउ इलेवन सम लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर सॉरी

सिक्स ओ क्लॉक ही है है ना हाँ चलो ओके बेटा आज एट ओ क्लॉक सर में से करेंगे हाँ जी बेटा अभी ना एक्चुअली में होती हैं आफ्टर क्लासेस टेन ओ क्लॉक के बाद मैं अपलोड कर दूंगा आपको ओके